हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन को लेकर मैंने बिहार स्पेशल शुरू कर दिया है। बिहार स्पेशल में कई सारे टॉपिक बता दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है, अभी होली तुरंत खत्म ही हुई है। जो भी अभी अपने घर पे हैं या कहीं भी हैं, वो लोग अपना पढ़ाई की तरफ रुख कर लें, क्योंकि आपको पता है 7 मई को पीटी एग्जामिनेशन है बीपीएससी का। तो बिना टाइम वेस्ट मत करिए, एक भी पल आप लोग वेस्ट मत करिए, क्योंकि ज़्यादा अब टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ है। इसलिए होली खत्म हो चुका है, अब जितना जल्दी हो सके आप लोग आके अपने स्टडी शुरू कर लीजिए, ठीक है? तो बिहार स्पेशल में आज के जो टॉपिक है वो है बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य एवं लोक नाटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बीपीएससी में पीटी नहीं, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद आपका मेंस भी इसमें से बहुत ज्यादा क्लियर हो सकता है, ठीक है? और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट कर लूं वो 2 से 3 टाइम में, तो अब मैं बता देती हूं कि मेरा बिहार स्पेशल पर पहले से वीडियो बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्पेशल चेक करिएगा। उसमें कम से कम 45 टॉपिक पे मैंने बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया है। और अब मैं जो करवा रही हूँ वो आप लोग के मांग पर, जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे उनके मांग पर मैंने रिपीट कर रही हूँ उनको बिहार स्पेशल को। तो अगर किसी दिन वीडियो ना भी आता है तो आप लोग पिछले वाला जाकर बिहार स्पेशल वाला देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज के सेशन में बिहार के प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य एवं लोक नाटक यानी फोक डांस ऑफ बिहार और फोक ड्रामा ऑफ बिहार, जैसा कि मैंने आपको कहा, पीटी नहीं बल्कि मेंस में भी रहेगा। और जो भी मैं आपको बता रही हूँ, खुद का अपना नोट्स बता रही हूँ, खुद का हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाया है, उसी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार के लोक नृत्य यानी फोक डांस ऑफ बिहार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोक नाटक यानी फोक ड्रामा देखेंगे इसके बाद, ठीक है? तो पहला है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य है, देखिए यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य का युद्ध युद्ध से संबंधित है। छऊ क्या है? तो युद्ध से संबंधित है। किसके द्वारा? तो पुरुषों के द्वारा। इसमें महिलाओं को कोई भी भूमिका नहीं होती है। अब अगला चलिए देख लीजिए कर्मा नृत्य। कर्मा, ठीक है? देखिए कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए बिहार के आदिवासी जनजाति द्वारा फसलों की कटाई या बुआई के समय यह नृत्य किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है कटघोड़वा। कटघोड़वा इस नृत्य में नर्तक के द्वारा अपनी पीठ पर बांस की खपचियां को बनाकर घोड़ा का आकार का ढांचा बनाकर किया जाता है, यानी कि बांस की खपचियों, बांस के पतले पतले करके उन्हें घोड़ा का आकार बनाकर पीठ पे लगाकर कटघोड़वा नाच किया जाता है। यह बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है? अब चलिए उसके बाद पवड़िया नृत्य। ये पुरुषों द्वारा स्त्रियों के वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य पवड़िया नृत्य होता है, यानी पुरुष है जो महिलाओं के वेशभूषा में पूरा परिधान पहनकर इस नृत्य को करते हैं। अब देखिए जोगिया नृत्य। यह नृत्य होली के अवसर पर पुरुष व महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अभी तो इससे तो पूरा सभी लोग वाकिफ होंगे, अभी जो भी होली में से आए होंगे उन सबको पता होगा कि जोगिया नृत्य क्या होता है। तो होली के टाइम पे ज्यादा ये गाना बजती है और लोग इस तरीके का नृत्य करते हैं। अब देखिए झझिया नृत्य। झझिया नृत्य क्या? इस नृत्य में दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है? अब देखिए लौंडा नाच। लौंडा नाच है, ये नृत्य मुख्यतः भोजपुर के क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ है? तो भोजपुर के क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें लड़का लड़की के रूप धारण करता है और पूरी तरह सिंगार करके नृत्य करता है, यानी कि लड़का है जो लड़की की वेशभूषा धारण कर ये नाच करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पकड़ना है आपको कि ये मुख्यतः कहाँ की है, तो भोजपुर का है, ठीक है? अब देखिए विद्यापति। विद्यापति बारे के, विद्यापति बहुत ही प्रसिद्ध है बिहार में, तो आपको पता ही होगा। तो देखिए इसके इनके बारे में बता देती हूँ, इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इस नृत्य के कवि विद्यापति, ठीक है, कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति, के पदों को गाते हुए सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है और यह नृत्य पूर्णिया क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इनकी जो लिखावट लिखा गया है, विद्यापीठ की जो है कवि है वो लिखे हैं उन्होंने, मतलब जितने भी लाइन लिखे हैं उनको गाने के अकॉर्डिंग उस पर डांस वगैरह या फिर नाटक वगैरह किया जाता है, ठीक है? इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा विद्यापति जी के बारे में, ठीक है? और इसमें एक और पॉइंट यह है कि पूर्णिया के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जिस तरीके से आपका लौंडा नृत्य भोजपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध था उसी तरीके से विद्यापति जो है वो पूर्णिया में प्रसिद्ध है। अब देखिए अगला देख लीजिए कंजारी नृत्य। कंजारी नृत्य क्या है? देखिए कजरी नहीं है, ठीक है, कंजारी है, ठीक है? इस नृत्य को मुख्यतः मानसून के समय में किया जाता है। इसमें मध्यम में बारिश के द्वारा कैसे हमारी पृथ्वी के लोग खुश होते हैं इसको वर्णन किया जाता है, यानी बारिश होने के बाद कैसे पृथ्वी के लोग खुश हो जाते हैं, किसान खुश हो जाते हैं, उसको इसमें वर्णन करके बताया जाता है। अब देखिये करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य इस नृत्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाओं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चारों तरफ गोल गोल घूमती है, राउंड राउंड घूमती है। तो अभी आपने देख लिया जो था वो बिहार के फोक डांस ऑफ बिहार, ठीक है? अब हम लोग
देखेंगे फोक ड्रामा ऑफ बिहार। तो ठीक है, फोक ड्रामा देख लीजिए, डांस मतलब नृत्य, ठीक है, और ड्रामा मतलब नाटक टाइप में, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान देना है वो नाटक वाला पे, नृत्य वाला पे दो तीन ध्यान देना है जो मैं आपको लास्ट में भी टिकआउट करवा दूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है बिहार के जो प्रमुख लोक नाटक है फोक डांस की, विद्यापति जी का जितना भी लिखा हुआ बुक है वो सारे के सारे नाटक के थ्रू ही बताया जाता है, ठीक है। अगर आप कभी आए होंगे बिहार के रंगमंच में तो जरूर देखे होंगे यहाँ पे आके। तो देखिए अब देखिए नेक्स्ट है जो वो विदेशिया, पहला जो है वो विदेशिया, ठीक है, यानी फोक ड्रामा और बिहार में पहला जो है वो विदेशिया। देखिए इसको मैंने पॉइंट में लिखा है तो इसको ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट अगर मेरे नोट को फॉलो करते हो तो आराम से फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी रह भी जाता तो आप सुधार लीजिएगा, लेकिन कोई भी मिस्टेक नहीं है, इतनी मुझे 99% की मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे नोट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं, जो नया स्टूडेंट है जो 68 के बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर नोट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस नाटक की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी, यह नृत्य भोजपुरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है, कहाँ है तो भोजपुरी में प्रसिद्ध है। विदेशिया नाटक शैली का पिता भिखारी ठाकुर को माना जाता है, किससे, तो भिखारी के, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे। इस नाटक में समाज के विरोध मुद्दे उठाए जाते हैं जिसमें गरीबी अमीरी ऊंच नीच आदि वगैरह, यानी कि जो समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं जिससे समाज में दिक्कत हो रही है उसको उठाकर इसमें नाटक किया जाता है। विदेशिया नृत्य में महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकार निभाते हैं। इस नाटक का प्रारंभ होने से पहले मंगला आचरण होता है, यानी कि नाटक से शुरू होने से पहले विदेशिया ये मंगला आचरण किया जाता है, और किनका है तो भिखारी ठाकुर का, ध्यान दीजिएगा भिखारी ठाकुर का, ठीक है। आप देख लीजिए डोमकच, डोमकच क्या है तो यह सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, यह पारंपरिक उत्सव में किया जाता है, यानी उनके घर में कोई भी खुशी होती है उसी वक्त यह डोमकच नृत्य महिलाओं को द्वारा किया जाता है बिहार में, सॉरी नृत्य नहीं है, नाटक, नाटक, ठीक है, ध्यान दीजिए नाटक। अब देखिए जट जाटिन, जट जाटिन तो कई बार बीपीएससी ने पूछ रखा है, अगर आपको विश्वास नहीं है उठाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। यह लोक नाटक सावन के कार्तिक मास पूर्णिया, ध्यान दीजिएगा सावन के कार्तिक मास पूर्णिया में मनाया जाता है। यह नाटक में शामिल लोगों को अविवाहित होते हैं और अविवाहित के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि जो लड़का लड़की जो भी होगा जट जाटिन वो अविवाहित होंगे, विवाहित महिला नहीं होते हैं, अविवाहित होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह नाटक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सामा चकेवा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जट जाटिन कहाँ का है और सबसे ज्यादा फेमस बिहार के किस जिले से है, ठीक है, मैंने कई बार आपको इसको बारे में बताया है। अब देखिए सामा चकेवा, यह लोक नाटक कार्तिक के पूर्णमासी में मनाया जाता है, इसमें लोक नाटक के जो पात्र होते हैं वो मिट्टी मिट्टी के बनाया जाता है, सामा चकेवा ये मिट्टी के, ये सब क्या है दरभंगा के साइड का है, किधर का तो मैं आपको बता देती हूँ आंसर भी, जट जाटिन सामा चकेवा ये सब दरभंगा के साइड का है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए एक जो पात्र होते हैं वो मिट्टी के, यानी कि गुड्डे गुड़िया वगैरह जो मिट्टी के बनाए जाते हैं, और केवल बालिकाओं द्वारा, यहाँ पे देखिए महिला नहीं बालिकाएं, छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा ये खेला जाता है सामा चकेवा, ठीक है। अब देखिए कीर्तनीय, कीर्तनीय तो आप सबको पता है घर में कीर्तन वगैरह उसी से रिलेटेड है, तो देखिए ये लोक नाटक जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को वर्णन कीर्तन भक्ति के गीतों के माध्यम से किया जाता है, और एक यह लोक नाटक भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। कीर्तनीय में जितना भी होता है वो श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए जितने भी तथ्य है उसको दिखाया जाता है नाटक के थ्रू, ठीक है। तो आज आपने देख लिया बिहार के जो प्रमुख लोक डांस है और प्रमुख जो लोक ड्रामा है, यानी कि प्रमुख लोक नृत्य लोक नाटक फोक डांस ऑफ बिहार और फोक ड्रामा ऑफ बिहार, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जैसा कि मैंने आपको कहा है पीटी नहीं बल्कि मेंस में भी आपको ये मदद कर देगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट फॉलो करना चाहते हैं नोट्स को आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको जाते जाते बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर चीज मैं उस पर डाल रही हूँ, बीपीएससी मेन्स को लेकर, बीपीएससी पीटी को लेकर बहुत सारा करेंट अफेयर भी जा रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम टेलीग्राम का लिंक नहीं है, तो देखिए टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर बॉक्स हर में जो नए वाले जो भी वीडियो रहेंगे उसमें देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फायदा ही होगा। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी पीडीएफ चाहिए बिहार स्पेशल पे किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने मोटे जो कॉपी है मैंने पीटी के लिए से बना रखा है, हर चीज मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नए कोई टॉपिक के साथ बिहार स्पेशल में, थैंक यू सो मच।